बरेली के तीन बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो मोतिम बाई सोनकर भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया गया है तो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर है जहाँ मुंगेली के तीन बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के इतने पक्के कार्यकर्ता थे, एक छोटे से कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हमने कभी डगमगाया नहीं कि हमारी सरकार नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। नगरपालिका क्षेत्र में हम उनका इतने अच्छे से साथ दिया और उन्होंने जो हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुँचाया उसके कारण, और दूसरी बात जब वो हमारे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखें, और हमने देखा कि भूपेश बघेल की सरकार जो मुंगेली जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला है, इतना बढ़िया स्कूल, आज वहाँ पे छोटे से छोटे गरीब बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका कार्य देखते हुए, भूपेश बघेल के कार्य को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर मैं इस पार्टी को ज्वाइन की।